इस आसन में बैठ जाइए जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, इसको बोलते हैं वज्रासन। कौन सा आसन बोलते हैं? मैंने कहा था ना कि एक आसन ऐसा है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, वो कौन सा आसन है? वो यही आसन है। अच्छा, आपने कभी सोचा कि ये वज्रासन खाना खाने के बाद क्यों कर सकते हैं और इससे खाना जल्दी क्यों पचता है? आज उसकी हम चर्चा करेंगे, इसलिए चर्चा करेंगे ताकि योग के प्रति आपकी श्रद्धा पैदा हो जाए और आप ये सोचें कि योग के अंदर जो लिखा गया है, जो हमारे ऋषियों ने बताया है, वो आज हमें हो सकता है चमत्कारिक लगे, अविश्वसनीय लगे, लेकिन वो 100% सत्य है। तो ये जो आसन है वज्रासन में, हमारे शरीर के अंदर कितना खून होता है? 6 लीटर 7 लीटर। तो 6-7 लीटर खून हमारे पूरे शरीर में होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब हमारे स्टोमक के अंदर, अमाशय के अंदर, छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर जाता है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत ऐसे बारीक कपड़े जैसी होती है जिसके बाहर से खून दौरा करता रहता है, और छोटी आंत और बड़ी आंत पैरास्टालिक मूवमेंट करती है, आगे पीछे हिलती रहती है। उसके अंदर भोजन का, जैसे हम रई से मथते हैं ना दही को तो मक्खन निकलता है, ऐसे ही आंत के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसको मथा जाता है और उसका जो मक्खन निकलता है वो आंत के बाहर से खून उसको लेकर पूरे शरीर के अंदर भेजता है, जिससे हमें ताकत मिलती है, पोषण मिलता है। तो ये जो खून भेजता है, ये खून पूरे शरीर में दौरा करता है, तो पेट को मिलता है 2 लीटर। कितना मिलता है? 2 लीटर। 2 लीटर ऊपर चला गया, 2 लीटर नीचे चला गया। अब आप जैसे ही वज्रासन में बैठे, तो वज्रासन में बैठते ही मैं आपसे पूछूं कि आप अगर आधा घंटा वज्रासन में बैठेंगे तो आपके पैर सुन्न हो जाएंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि खून दौरा नहीं कर रहा। ठीक है या गलत है? तो जैसे ही आप इस आसन में बैठते हैं, आपके यहां पर बंद लग गया। क्या लगा? तो ये जो इसके नीचे ब्लड नहीं जा रहा, जो आपका हार्ट जो 7 लीटर खून को जो पंप कर रहा है हर मिनट में कई बार, और कितने प्रेशर से पंप करता है? आपके घर में पानी की मोटर है ना, तीसरी मंजिल तक जो पानी को पहुंचा दे उतनी ताकत के साथ आपका हार्ट खून को पंप करता है। तो कितना प्रेशर होगा आप समझ लीजिए। तो ये जब खून पंप करता है तो जो 2 लीटर खून टांगों में जाने वाला था, वो 2 लीटर खून आपने यहां पर बंद लगा दिया तो कहां घूमता है? यहां पर घूमेगा ना। अब आपके पेट को जो पहले 2 लीटर खून मिलता था एक मिनट में, अब उसको मिलता है 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर। और जब उसको ज्यादा ब्लड मिलेगा तो वो जो मथने की प्रक्रिया है वो ज्यादा हो जाएगी और आपका जो भोजन का रस है वो रक्त में मिलकर पूरे शरीर को पोषण मिलेगा। तो ये अकेला एक आसन है जो खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं और ये पूरी तरह से साइंटिफिक है।